हेलो एवरी वन सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड अ कार्बोक्सलिक एसिड एल्कोहल एंड कार्बोक्सलिक एसिड में आप किस तरह से एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश कर सकते हो सो द टेस्ट विच वी आर यूजिंग इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे या तो मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल सॉरी uh, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो इनके फॉर्मूलास क्या होते हैं मेटल कार्बोनेट क्या होता है मेटल कार्बोनेट सी ओ थ्री एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं मेटल बाय कार्बोनेट तो वो रहता है मेटल बाय कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट तो इन दोनों में से किसी एक से दोनों की रिएक्शन करवा के जो रिजल्ट आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले देखते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड लेके कोई भी जनरल रिएक्शन है ये उसका रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनेट से स्लैश करके लिखा है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से ओके जब ये रिएक्शन होगा आपस में तो प्रोड्यूस होगा एक सॉल्ट ओके उसी मेटल का सॉल्ट प्रोड्यूस होगा एंड वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी ओके सो दिस इज़ द मेन रिएक्शन अभी इसे हम विद अ पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर एक हम एसिटिक एसिड लेंगे ओके तो एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका रिएक्शन करवाएगी हम मेटल कार्बोनेट से मेटल यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम ओके जब सोडियम कार्बोनेट से इसका रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा ठीक है सोडियम का ही एक सॉल्ट बनेगा वाटर प्रोड्यूस होगा साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी गैस ठीक है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का ही एक सबसे अच्छा मेथड क्या होता है उसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस होते हैं याद रखना जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर इवॉल्व होती है तो वहाँ पर आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस देखने को मिलती है ये ब्रिस्क एफरवेसेंस अगर आपको नहीं समझ आता तो आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हो आपने अपने घर में कोक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की कोई बॉटल देखी होगी उसमें जब सी ओ टू आप खोलते हो उससे ठीक है तो सी ओ टू उससे बाहर आती है तो आप जैसे एफरवेसेंस उसमें देखते हो बबल्स जैसे देखते हो उस आ, उस तरह से ही जैसे सीओ टू वहाँ से निकल रही है उसी तरह से कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक एफरवेसेंसी देखने को मिलेगी ठीक है एक तरह से इस तरह से आपने डिटेक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड निकला दूसरी तरह से आपने कैसे डिटेक्ट करोगे जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होगी रिएक्शन में आप उसी टाइम क्या करोगे आप लाइम वाटर ले आओगे एक बीकर में आप लाइम वाटर ले आओगे और उस गैस को उस लाइम वाटर में पास करोगे तो ये लाइम वाटर को क्या कर देगा मिल्की कर देगा पहले वो ट्रांसपेरेंट सा होगा और बाद में वो बिल्कुल मिल्क की तरह हो जाएगा ठीक है तो मिल्की हो जाएगा तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की दो एक तरह से प्रॉपर्टी समझो ठीक है ये होती है कि एक तो ये ब्रेस्क एफरवेसेंस शो करती है और दूसरा ये टर्न करती है लाइम वाटर को मिल्की ओके तो इसने लाइम वाटर को भी मिल्की टर्न कर दिया तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर सीओ टू गैस इवॉल्व हो रही है ठीक है जब ये रिएक्शन हुई ऑन द अदर हैंड अगर आप यही रिएक्शन एल्कोहल के साथ करते हो ठीक है आपने कोई भी एल्कोहल ले लिया पर्टिकुलर एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं आपने एल्कोहल ले लिया एक उसकी रिएक्शन आपने मेटल कार्बोनेट के साथ करवा दी या फिर बाय कार्बोनेट दोनों में से कोई भी ले लो एक ही तरह का रिजल्ट होता है ठीक है सिमिलर रिजल्ट होते जब आपने ये रिएक्शन करवाई तो ये रिएक्शन नहीं होगी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा देर विल बी नो सच रिएक्शन जैसी आपने ऊपर देखने को मिली है तो ये रिएक्शन नहीं होगी सो एल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ठीक है क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ सो देयर विल बी नो सच ब्रिस्क एफरवेसेंस बोल दो या फिर ये बोलोगे कि कि ये लाइम वाटर को मिल्की नहीं टर्न करता है. तो इस तरह के यहाँ पर आपको देखने को इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड में मिले तो इस तरह से हमने डिस्टिंग्विश कर दिया दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड को एंड अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स तो ये एक मेथड था एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विश करने का अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ओके बाय